तो गाइस हमने रुड़की पार कर दी है और बढ़िया भयंकर बारिश आराम से रोटी वोटी खा ली सारी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और कल का व्लॉग काफी छोटा रह गया क्योंकि घर पे अभी हमारा पुताई का काम चालू है तो पूरे दिन उसी में लगे रहे, कभी सामान इधर रखना कभी सामान उधर रखना। बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ चुके थे मेरे शरीर के क्योंकि जिम करके गया, फिर कभी बेड इधर करना कभी अंदर वाला बेड इधर करना कभी ये कभी अलमारी कभी ये फलाना ढकना, सब करते करते हालत ख़राब। शाम को जाके लेट ना मिला है और मैं फिर सो गया था बहुत जल्दी। आज देखते हैं, चलते हैं, सैटरडे है लास्ट दिन, संडे में खुलती है वैसे जिम, पर पता नहीं किस टाइम खुलते हैं किस टाइम बंद कर लेते हैं। फिर वर्कआउट से फोकस हट जाता है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी देखो घर चलते हैं, कुछ प्रोग्राम बन रहा है, बना तो फिर आपसे रास्ते में मिलेंगे। लिया बाहर मेरा अपना प्रोटीन, मैं घर जाके बनाना शेक में अपने ड्राई फ्रूट वगैरह मिला के पीऊंगी। मैं प्रोटीन वोटीन कुछ नहीं लाऊंगा एक डेढ़ महीने तक, पर वैसे तो मेरे प्रोटीन एक तो पड़ा भी है तो पी भी ना रहे। मौसम देखो खतरनाक, बाकी का तो फाड़ खाने को लग रहे हैं फोन चमार का, कहां जा रहा पैदल। तो गाइस हम निकल रहे हैं कहीं के लिए, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी तो इंद्रपुरम में ही है, केशव आ रहा है अभी, केशव आया नहीं। केशव आया नहीं, मैं भी जा रहा हूँ अभी अपना वर्कआउट करने जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा टाइम हो चुका है वर्कआउट, और सुबह को मॉर्निंग में करूंगा पहाड़ों पर वर्कआउट। यही तो नहीं बताना था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से पहाड़ों पर थोड़ी बताया। पहाड़ तो यहाँ भी राजस्थान में भी दिल्ली में भी है। बारिश पड़ रही है बाहर, चलो तुम लोग गैस करके बताओ हम कौन से पहाड़ों पे जा रहे हैं। यस ये बोल रहे, इसके दो तीन मिनट बाद आपको हाईवे दिखाई देगा। नहीं दिखाना, हाईवे दिखा दे तो पता ही दिखेगा तो फिर। नहीं हाईवे को सड़क दिखाएंगे ना, उसके बाद इनको बॉडी दिखाएंगे बस। हाँ और कल वर्कआउट हमारा होना वाला 75 वाट का मेरा, इसका तो 11वां 12वां दिन होगा कल। 12वां 11वां तो डाल दिया, आज 12वां दिन है, कल 13वां दिन है और मेरा होगा 6ठा। आज 6ठा है, कल 7वां होगा, 7वां वर्कआउट बाहर चलेगा, वो हमारा आउटडोर वर्कआउट ही रहेगा, इंडोर तो नहीं हो पाएगा कल। देखते हैं इंडोर भी हो जाएगा, मिलते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, जो भी है वर्कआउट करके निकलो, वर्कआउट मारा लो ना अभी करो तब चले हम। लोंडे की आईडी जाके फॉलो कर लो और 001 से 001 नितिन त्यागी साले नितिन 001 नितिन उसे सब्सक्राइब करो, बढ़िया सा प्यार दिखाओ। अब देखो हम और गैस करते रहना, मतलब गैस को क्या ही करोगे, शूट ही करूँगा। तो मिलते हैं सुबह, अलग ही जगह होने वाली है, मॉर्निंग अलग जगह होगी। अरे अभी रिचार्ज करवाया है गाइस, अभी हम कुछ रुके हैं खाने के लिए, गाड़ी नहीं मतलब वैसे ले लेंगे डिस्पोजल में। तो चलते जल्दी खाते रहे सिंह साहब का ढाबा, अपना स्पीकर भी लाए हैं। सॉरी कालू भाई, आपके बर्थडे पे हम स्पीकर लेके भाग गए। हेलो गाइस, केशव भाई, केशव भाई कच्चे में रिलैक्स करके बैठे हैं बिल्कुल, और हमारे घर में पुताई चल रही थी तो हमारे लोअर दोनों तीनों मशीन में अभी तक, और दो हमें मिले नहीं, उनकी मम्मी ने पता नहीं कहाँ गठिया बांध के डाल रखी है, पता ही ना कहा। ये नितिन लेने गया कुछ। सो गाइस सिंह साहब के ढाबे पर कुछ नहीं मिला हमें, तो अलकनंदा यहाँ रोका हमने, अब इस पर बाहर स्टॉल भी हैं, अच्छा खाना मिलता है। ना खाना हम जब स्कूटी बाइक से सफ़र करते हैं तो यहीं पर लगाते हैं, हमें लग रहा था कि हमने पीछे छोड़ दिया है, ये पीछे छूटा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। हम कुछ ऐसा आइटम चाहिए जो हम गाड़ी में लेके चल सकें। अपनी यहाँ खड़ी कर दिए, फॉर्चुनर लेके नहीं आया, चार ही बंदे थे उसके लिए, कम से कम 6 बंदे तो हों हमारे साथ तब मजा आता। तो सनी सिन वहाँ बैठ जा, चल मिल गया तुझको। है भाई मीनू क्या है,
तो गाइस हमने रुड़की पार कर दी है और बढ़िया भयंकर बारिश, आराम से चलने रोटी वोटी खा ली सारी। गजब बेइज्जती है। सो गाइस हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं बट बारिश ने बुरा हाल कर रखा और हमारा एक साथ एक और हमारे साथ क्या नाम है नाम मत बोले, देखो हमारा वाइपर दिख रहा है ये फुंटा हो गया लंगड़ा, हाँ ये लंगड़ा हो चुका है लंगड़ा, ये वाइपर टूट गया और इसमें लगाया हमने तोलिया, मैंने कहा तोड़ा और तेरे घर के आई तोड़ा। अभी हमें तो 3 किलोमीटर बाद दिखा रहा है वर्कशॉप, तो जा रहे हैं तो कर ले वर्कशॉप वाले को। धुआंधार बारिश, हम चकरा तो नहीं पहुंच पा रहे, सामने से रोंग साइड और आ रही है पब्लिक, ये देख लो उत्तराखंड वालों में तमीज बहुत चुके, पागल हो चुके उत्तराखंड वाले। हाँ सच्ची में ये तो गलत बात है ना। तो गाइस अभी हम विकास नगर पहुंचने वाले, विकास नगर हम लेंगे स्टे क्योंकि बारिश ने ओवरफ्लो मार दिया मामला सड़क पे। अभी हमारे वहीं पर ठीक से हो चुका है, बारिश हमारे गांव में बहुत तेज हो रही है, वहाँ भी हो रही है पूरे गाजियाबाद में, अंधा सुंद हो रही है। अरे यू सुनो यू रिकॉर्ड है बहन चोद, हम घर से निकले अब मौसम अच्छा हुआ, अरे मौसम मत टॉप हुआ, अरे हम ही बेकार है क्या भगवान की हो रही है मेरी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं चक्राता के हाईवे में, यहाँ से 30 किलोमीटर है और अभी बहुत ही अच्छी हवा और ना कोई बारिश ना कोई प्रॉब्लम, गाड़ी ये खड़ी है, हमारे एक बंदा सो चुका है और हम अभी कैंप वाले से बात हुई है तो वो हमारे लिए बेचारा खाने बना के बैठा है, खाना खा पाए उसके पास टाइम तक इस वक्त पहुँच पाए हम, मतलब 30 किलोमीटर है अभी तो ठीक है, नहीं तो कैंप बुक है हमारा पहले से ही। अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी है अभी ऊपर रोकी, यहाँ से 29 किलोमीटर दिखा रहा है, तो मिलते हैं आपसे आगे रास्ते में। बड़ी ठंडी हवा चल रही है, अंदर जा रहा हूँ मैं गाड़ी में।